तो आइए जो है आज हम लोग थोड़ा सा हट के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है तो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट का कुछ देखिए। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट के बारे में थोड़ा सा ठीक है जानकारी लेते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट क्या होती है। देखिए थर्मल प्रॉपर्टी सबसे पहले आपने 11th में क्या पढ़ा होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है उसको अच्छे से समझ गया कि उसमें जो है स्ट्रेन स्ट्रेस होता है, उसके बाद उसमें टाइप क्या होता है तो मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ क्या रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, ये आपने पढ़ लिया समझ गए। लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसके बाद जो है आपका टेंजेंशियल होता है, ठीक है वॉल्यूमेट्रिक होता है। अब इसमें जो अगला हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग लिक्विड पढ़ लिए, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज का मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड पढ़ लिए। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है तो थर्मल प्रॉपर्टी ना, मैकेनिकल थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड पढ़ना। उसमें थोड़ा सा हम लोग ने पढ़ा होगा और कहाँ तक पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए होंगे, हीट की अगर डिफिनेशन समझे तो क्या होगा, सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज हीट। यही ना, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज हीट। तो हीट का मतलब होगा जब हमें क्या हो, फील हो कि या तो ठंडी लगेगी या तो गर्मी लगेगी, तो समझ जाना दोनों केस में हीट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, या तो ये कह सकते हैं चेंज इन जो है, एक तरह से बोल सकते हैं एक्सचेंज इन सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। या तो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कुछ, इसका मतलब हीट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एट हीट, ठीक है। तो अगर हम लोग को कैसा सेंस हो, सेंस में ये पता चले ठंडा या गर्मी, या तो ठंडी फील होगा, जैसे इस समय ठंडी का टाइम है तो देखिए ठंडी फील ना हो इसलिए हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर या वूलन क्लॉथ पहनते हैं। पर अगर ये गर्मी होगा तो हम लोग को बॉडी में हवा लगे, क्यों, क्योंकि जो आपका पसीना होता है इवापरेट करना चाहिए लगातार और बॉडी उसकी वजह से कूल होती रहती है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है सेंसेशन हॉटनेस और कोल्डनेस को हम हीट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या होता है, सेकंड हेडिंग इसकी अगर देखे जाए तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज हीट, इज नोन एज हीट, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर, ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो देखिएगा ये है, तो टेम्परेचर में जो है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं तो उस डिवाइस का क्या नाम है, थर्मामीटर। जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम थर्मामीटर होता है, और हीट को जिस डिवाइस से मेजर नाम करते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीमीट्री। क्या बोलते हैं, कैलोरीमीट्री। ये कैलोरीमीट्री होता है हीट को मेजर करने के लिए, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है। बेसिकली थर्मामीटर सभी लोग देखे हैं, कैलोरीमीट्री कोई नहीं देखा है, तो थर्मामीटर सबको पता है क्या होता है। तो थर्मामीटर से क्या चेक किया जाता है, तो हम लोग का टेम्परेचर पता चल जाता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्लिनिकन वाले में हम लोग जो क्लिनिक में यूज करते हैं, जैसे हम लोग क्या है डॉक्टर पास जाते हैं तो वो जो थर्मा वो फारेनहाइट में होता है, ठीक है।
तो उसमें दो होता है, डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट। तो जो थर्मामीटर बना है वो कितने टाइप का है, तो हमारा जो है थर्मामीटर में हम लोग जानते हैं अब यूनिट, थर्मामीटर का हमें मेन बेसिक क्या जानना होता है कि किस, तो इसका मतलब है अ डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर। जिस डिवाइस से हम लोग क्या करेंगे टेम्परेचर को मेजर करेंगे उसको थर्मामीटर बोलते हैं। तो हम लोग को थर्मामीटर में यूनिट चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा कैसे यूनिट हम लोग चेंज करेंगे, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं यूनिट कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यूनिट हम लोग को जब चेंज करेंगे ना, तो अब लिखेंगे कन्वर्जन वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट, किसके केस में, थर्मामीटर केस में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कन्वर्ट वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट। एक यूनिट को हम क्या करेंगे दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है, सेल्सियस स्केल। उसके बाद दूसरा होता है फारेनहाइट। तीसरा होता है हमारा केल्विन, और चौथा हमारा होता है र्यूमर। ये सब स्केल है, ठीक है, फारेनहाइट। और यहाँ पे हो गया हमारा ये फारेनहाइट स्केल, और यहाँ हो गया केल्विन स्केल। अब देखिए दोनों क्या सब में बेसिक डिफरेंस समझिएगा, ये नाम बस लिखा है। तो चार टाइप का होता है जिसमें बदलना है। तो सेल्सियस में क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू जो होती है, यही याद रखना है, क्या लोवेस्ट जो वैल्यू होती है, जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो होती है 0 डिग्री, एंड हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो होती है हमारी फारेनहाइट में 32, और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 212। फिर केल्विन में जो लोवेस्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है आपका एक तरह से 273.15, और हाईएस्ट वैल्यू वो होती है 373.15। फिर उसके बाद र्यूमर में जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 होता है, और हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो आपका होता है 80। तो देखिए आपको दो चीज़ याद रखना है कि लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो सेल्सियस में लोवेस्ट वैल्यू 0 होती है, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये सबकी वैल्यू है। तो सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये इतने टाइप का स्केल होता है, और हमको इन्हीं को चेंज करना। तो देखिए हम लोग किस फॉर्मूले से इसको चेंज करते हैं, इतना समझ में, अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिएगा अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बेसिकली इसके लिए क्या फॉर्मूला बन के आता है, यही आपको समझना है। तो देखिए हमने क्या किया, मान ले थोड़ा सा हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे स्केल बनाना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हमने ये बना दिया एक इसके लिए, दूसरा वाला ये रहा, सबको ये बेस सबका सेम रखना है हम लोग को, चलिए यहाँ से, ठीक है। फिर तीसरा वाला थर्ड स्केल ये रहा, फिर चौथा वाला रहा ये, अब देखिए ये वैल्यू क्या है, अगर हम सी से कर देंगे तो सेल्सियस, एफ से कर देंगे फारेनहाइट,
और के से करें केल्विन, आर से करें रूमर। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट हमने बताया 100 और लोएस्ट पॉइंट इसका 0 है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है तो 212 है, लोएस्ट पॉइंट कितना है 0 है। इसका हाईएस्ट पॉइंट 373.15 है और यहाँ 273.15 है। यहाँ पे क्या है 80 है और यहाँ कितना 0 है। अब यही आपको याद रखना है और ये मान के चलिए जो है ऐसे ऐसे कर दिए कि ये डिवाइड में बटा है, ठीक है। तो ये डिवाइड में बटा मतलब ये बटा स्केल में इस तरीके से बना होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे करके, तो इस तरीके से आपका बना होगा स्केल में, ये मार्क किया हुआ उसके अंदर मार्क होता है ना ऐसे ऐसे। तो अब देखिएगा जरा इसमें डिफरेंस कितने का है 100, मतलब ये जो लाइन है ना 100 इक्वल पार्ट में बटी होगी और इसमें जो लाइन होगी वो 180 लाइन होगी और ये 180 लाइन क्या होगी 100 पार्ट में बटा होगा और ये वाली जो ये 180 होगा तो 180 पार्ट में इस तरीके से बांट देंगे और यहाँ पे क्या होगा 273 है तो इसमें भी 100 का डिफरेंस है और इसमें 80 का डिफरेंस है। मतलब अब इसका अगर बेसिक समझे कि है तो वही स्केल, तो इसका मतलब है इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे इसके बीच में नज़दीक नज़दीक होगा इसके बीच में दूरी दूरी होगा। जैसे अगर आप स्केल देखेंगे स्केल में जान लीजिए कि दोनों तरफ ऐसे होता है, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहेंगे ऐसे ऐसे 1 इंच, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना होगा 1 इंच में, कितना हो गया 1 इंच में देखते हैं हम लोग तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो उधर हमारा यहाँ ऐसे 1, यहाँ 2 ऐसे लिखा होता है, यहाँ 3 होता है, तो इसके बीच में 10 लाइन ऐसे ऐसे से करके एक तरह से आपकी लाइन खींची होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमको समझना है कि यहाँ पे क्या होगा, इंच जैसे होता है वैसे ही क्या होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, लाइन यहाँ 100 होगी, यहाँ पे 180 को इस तरीके से एडजस्ट किया, यहाँ पे 100 को यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि सी जो होता है केल्विन के डिग्री सेल्सियस के लिए लिया है, उसका लोवेस्ट पॉइंट लिखेंगे और फिर उसका हाईएस्ट पॉइंट लिख के लोवेस्ट उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। फारेनहाइट का जो है लोवेस्ट पॉइंट 32 होता है, हाईएस्ट 212 माइनस लोवेस्ट पॉइंट, अभी आगे नहीं लिखे। अगर इसको हम सॉल्व कर ले इतने को तो आपका होगा C upon 100 हो जाएगा और इक्वल यहाँ कितना होगा F माइनस 32 अपान ये हो जाए कितना तो 180 हो जाएगा। ये इसको इससे काट दें और इसको 5, इसको काटेंगे यहाँ 5 आएगा यहाँ 9 आएगा, तो C का जो फार्मूला बनेगा 5/9 और ये -32। देखिए आप लोग यही फार्मूला क्लास 9th में क्लास 7th-8th में यही फार्मूला दिया होता है, तो आप सोचते आया कहाँ से। देखिए आज ये आप जान गए कि जो फार्मूला होगा वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो C इक्वल टू 5/9 F - 32, अगर इसी फार्मूले को F के टर्म में लिखना हो तो ध्यान से देखिए इधर चला जाएगा 9, तो 9/5 C + 32 हो जाएगा। तो ये फारेनहाइट के केस में नीचे वाला दिखा दिया और ये किसके केस में दिखा दिया, तो ये सेल्सियस के केस में, तो ये सेल्सियस और ये फारेनहाइट डायरेक्ट निकालेंगे और इस इक्वेशन में भी रखेंगे तब भी दोनों आ जाएगा। तो देखा आपने नई चीज़ सीख लिया कि फार्मूले को कहाँ से इस फार्मूले को लाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों स्केल को रखेंगे और इन दोनों में कंपेयर कर दिया तो सेल्सियस किस में चेंज हो गया, फारेनहाइट में, फारेनहाइट सेल्सियस में इस फार्मूले से। अगर इसके आगे दूसरा फार्मूला लेते हैं, मान ले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते तब क्या होता, तो आप लोग इसको देखेगा, इरेज कर दें एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक मैं देखता हूँ कि दिखता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको सही दिख रहा है तो देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे यहाँ से देखिएगा, ये मैं दिखाता हूँ फिर से देखते हैं। देखिएगा सेल्सियस का सी हो गया और लोवेस्ट होता है 0 और यहाँ पे है आपका हाईएस्ट हो गया 100 माइनस लोवेस्ट 0 हो गया और यहाँ पे केल्विन का के लोवेस्ट हो गया 273.15 और हाईएस्ट हो गया 373.15 माइनस लोवेस्ट हो गया 273.15 और उसके बाद सी अपान यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ के माइनस कितना हो गया 273.15 और यहाँ पे आपने किया तो आपका सब्ट्रैक्ट 100 आ गया, 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो C की वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगा K माइनस
273.15, तो अगर केल्विन आपको निकालना तो C प्लस 273.15। देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें जो है ये पॉइंट की वैल्यू नहीं ली रहती, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट 273 जोड़ देते हैं। तो अगर हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, हमारा आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा टेम्परेचर हो 27 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कितना होगा, सो 27 प्लस 273 इक्वल टू कितना होगा 300, मतलब 300 टेम्परेचर हो जाता है केल्विन में, इस तरीके से लिखा होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि केल्विन जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट होती है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन में लिखी जाती है। डिग्री सेल्सियस में कहीं कहीं होता है पर केल्विन में स्टैंडर्ड माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको जब डिग्री सेल्सियस में दिया होगा और अगर SI यूनिट लेते हैं या MKS यूनिट लेते हैं आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे, 273.9 ऐड कर देंगे तो आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कन्वर्जन किस तरीके से होता है, टेम्परेचर में जो यूनिट का कन्वर्जन होता है इसी तरीके से यूनिट का कन्वर्जन होता है। ये अगर आप चारों याद रख लेते हैं और आपको एक साथ लेके चलेंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका किसी भी एग्जाम में आता है, किसी कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 100% गलत करके नहीं आओगे। तो हम इस पे एक आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते, देखिए इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, अभी फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब देखिएगा अगर आपको ये पूछ दिया जाए या बोल दिया जाए कि बेटा आप ये बताओ, क्या बोला जाएगा कि बेटा आप ये बताओ डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, नहीं डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में वो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, क्या बोला जाएगा कि बेटा आप बता सकते हो क्या कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में दोनों की वैल्यू जो है सेम टेम्परेचर किस पे होगा, ये आप बताओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता आप रटे हो तो बता दो, कहीं सुने हो तो बता दो, पर आपको कुछ नहीं करना, आप मैथमेटिकल पे जाओ सॉल्व कर लो। अभी अभी हमने देखा कि C इज इक्वल टू 5/9 और F माइनस 32, ये हमारे पास इक्वेशन है कन्वर्जन करने का डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में, या फारेनहाइट से इसी से बता सकते। अब हम करेंगे बच्चा क्या कि दोनों की जगह कुछ अपने मन से मान लें, क्या लिख दिया C 5/9 और यहाँ भी x लिख के माइनस 32 लिख दिया। क्या किया हमने, दोनों x मान लिया, फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट जब दोनों सेम बोला जा रहा है तो सेम वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ x रखा, यहाँ x रखा, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 9x यहाँ 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5x माइनस 5 दूनी 10 हो गया और 15x 16 160 हो गया। जब इधर 5x को इधर लाएंगे मतलब 5x को लाएंगे तो माइनस 160 हो गया, इधर सबट्रैक्ट कर दिया तो 4x बच गया, उधर हो गया 160। तो x की जो वैल्यूआ है 160 अपान कितना होगा, 4 होगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस 40 हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बच्चा ये है आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर सेम होगा माइनस 40 डिग्री पे, मतलब 40 डिग्री और केल्विन में माइनस फारेनहाइट में माइनस 40 फारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आपका आंसर होगा कि सर जो है हम इसको प्रूफ करके आपको दिखा सकते हैं कि माइनस 40 जो होता है, माइनस 40 जो होता है वो डिग्री और फारेनहाइट में दोनों इक्वल होता है। तो आप ऐसे करके दिखा दोगे, और या तो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आया है तो आप माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे या 40 फारेनहाइट पे आपको ये टिक कर देना। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे आपको, मान लीजिए एक में लिख दे माइनस 40, एक में लिख दे आपका ऑप्शन हो, मान लीजिए ऐसे चार ऑप्शन दे दे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे दे प्लस 40, तीसरा ऑप्शन दे दे कि जो है आपका मान लो थर्ड ऑप्शन दे दे कि जो है फारेनहाइट जो है ज़्यादा है केल्विन से, या तो चौथा ऑप्शन दे दे ये वाला, अब कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपने क्या किया, अगर यहाँ पे साथ में माइनस इक्वल होगा फाइन, तो ये आप मार देंगे कि दोनों इक्वल होता है, या तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो कहीं लिखा या फिर इक्वल टू सी या अलग से दिया या वैल्यू दिया हो, तो आप कौन सा करेंगे माइनस। तो इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों इक्वल होता है वैल्यू दे के या वैसे। तो यहाँ पर आप समझ गए,
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो क्या है आप कमेंट करके बता सकते हो क्या दिक्कत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।